So student, let us begin with this question related to isomerism. Question is, write structure and IUPAC names of all the isomeric alcohols having molecular formula C5H11OH which can exhibit enantiomerism. स्टूडेंट यहाँ पे आपको करना क्या, सारे आइसोमर्स बनाने अल्कोहल्स के जिसकी फॉर्मूला C5H11OH हो, और फिर ये बताना है कि किसमें एनांसियोमेरिज्म होगा. तो एनांसियोमेरिज्म के लिए स्टूडेंट यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग हमारे पास है, एनांसियोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास वो है कि काइरल सेंटर होनी चाहिए. काइरल सेंटर होनी चाहिए. काइरल सेंटर का मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर होनी चाहिए. तो एनांसियोमेरिज्म शो करेगा स्टूडेंट. तो सबसे पहले C5H11OH के सारे एनांसियोमर्स बना लेते, सारे आइसोमर्स बनाएंगे स्टूडेंट हम लोग. तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट पर आते हैं हम लोग. सो C5 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है हमारे पास. स्टूडेंट सबसे पहले आप जितने पॉसिबल हो सके इसके आप चेन आइसोमर्स बना लो. तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, आपको पता है स्टूडेंट ये इसका आइसो फॉर्म हो गया और ये इसका नियो फॉर्म हो गया. ये तीन फॉर्म पॉसिबल होता है, आपको पता है थ्री फॉर्म्स आर देयर. अब स्टूडेंट करना यहाँ पे ये है कि आप चेक करो कि कितने सारे पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे पोजिशन आइसोमर्स. स्टूडेंट यहाँ पे कितने सारे पॉसिबल पोजिशन आइसोमर्स हो सकते हैं. तो मैं लगा सकता हूँ OH को इस कार्बन के साथ, OH को इस कार्बन के साथ और OH को इस कार्बन के साथ. तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है. चलो हर एक पॉसिबिलिटी पे काम कर लेते. तो यहाँ पे मुझे तीन बनाने हैं, 1, 2 और एक बनाना 3. तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे OH लगानी है, तो OH को चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया. इस केस में OH को मैंने यहाँ लगा दिया और एक केस OH को मैंने यहाँ लगा दिया. तो यहाँ से 3 फॉर्म्स बन जाएंगे. ओके, दिस इज 1, 2, 3. स्टूडेंट अब यहाँ से बातें करते तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी है पोजीशन आइसोमर्स की. तो एक यहाँ से हो जाएगा, दूसरा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ और यहाँ से सेम है ना स्टूडेंट. एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, थर्ड, फोर्थ. यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है. चलो ये 4 पॉसिबिलिटीज को हम लोग फटाफट बना लेते. फोर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट पॉसिबिलिटी OH यहाँ पर रखा मैंने, सेकेंड पॉसिबिलिटी OH यहाँ रखा, थर्ड पॉसिबिलिटी OH यहाँ पर है, और ये फोर्थ पॉसिबिलिटी है पोजिशन आइसोमर्स की. इस केस में ये सारे कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, ये सारे कार्बन इक्विवेलेंट है. तो किसी एक जगह पे आपको रखना चाहिए OH को. तो इसकी एक ही पोजिशन आइसोमर हम बना सकते हैं. तो OH को मैंने मान लो यहाँ पर रखा. तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मैंने सारे आइसोमर्स बना लिए C5H11OH के. अब हमारा काम है यहाँ पे ढूंढना कि किसमें एनांसियोमेरिज्म होगा, मतलब आपको काइरल सेंटर ढूंढना है. ये आपके टारगेट हो गई, आपके टारगेट है यहाँ पे आपको काइरल सेंटर ढूंढना है. तो काइरल सेंटर का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा कि काइरल सेंटर का मतलब है कि आपके पास जो कार्बन है उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, A, B, C, D. देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, A, B, C, D 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए. अगर ऐसा है तो हम लोग इसको कहेंगे काइरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर, और इसमें इनैंसियोमेरिज्म पॉसिबल होगा स्टूडेंट. तो चलो इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ढूंढते काइरल सेंटर कहाँ कहाँ, क्या इसमें काइरल सेंटर है, नहीं इसमें काइरल सेंटर नहीं है. क्या ये काइरल सेंटर है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग. तो स्टूडेंट चेक करो आप, इस कार्बन के साथ यहाँ पे कौन सी ग्रुप है, मिथाइल, एक OH, एक हाइड्रोजन है और बाकी ये पूरी ग्रुप है. तो बिल्कुल इस कार्बन, ये स्टीरियोजेनिक कार्बन हो गया, मिथाइल हाइड्रोजन OH और इधर ग्रुप हो गया प्रोपाइल. तो इसमें एनांसियोमेरिज्म होगा 2 में,
क्या इसमें होगा? तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर से प्रोपाइल हो गया और इधर से सॉरी इधर से इथाइल हो गया और इधर से भी इथाइल हो गया, इसमें पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लूँ तो चेक करो यहाँ पे कौन से ग्रुप है, मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस साइड है इथाइल ग्रुप और इस साइड एक डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ये कायरल सेंटर है, ये एनांसियोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये कायरल सेंटर है? तो ये हो गया मिथाइल, ये भी हो गया मिथाइल, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि दो ग्रुप सेम हो गए। क्या इसमें होगा? चलो चेक कर लेते स्टूडेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर OH है और ये एक डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी स्टीरियोजेनिक कार्बन है, इसमें भी हो। क्या इसमें होगा? नहीं। क्या इसमें होगा? नहीं। तो यहाँ पे आंसर्स क्या हो गया स्टूडेंट आपका, किसमें किसमें नैन्सियोमेरिज्म हो सकता है? तो नैन्सियोमेरिज्म आपका होगा स्टूडेंट 2 में 4 में और 6 में, एंड 6, तो ये 3 आइसोमर्स हो गए, 2, 4, 6, जिसमें नैन्सियोमेरिज्म पॉसिबल होगा स्टूडेंट। तो ये तो बातें हो गई क्वेश्चंस रिलेटेड विथ आइसोमेरिज्म, जहाँ पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे मुझे डिस्कस करनी है स्ट्रक्चर ऑफ, पहले हम लोग अल्कोहल एंड फेनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद वाले सेगमेंट में हम लोग ईथर को डिस्कस करेंगे। तो मेरी जो अब की टॉपिक है, अभी की जो टॉपिक है जिसको मुझे टच करना, वो है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। तो मेरी टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को कवर करेंगे, तो अल्कोहल में चलो हम लोग ले लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल, मिथेनॉल, मिथेनॉल की एग्जांपल लेते हैं। और फेनॉल तो आपको पता है बेंजीन के रिंग लेंगे और इसके साथ कौन सी ग्रुप होगी, OH ग्रुप होगी। स्टूडेंट देखो आप, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा? तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, ये मॉलिक्यूल लीनियर या ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता लीनियर? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन द मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। इसको स्ट्रक्चर से समझे तो ये थोड़ा और क्लियर होगा। कार्बन के साथ मैंने 3 हाइड्रोजन को लगाया है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, और मैं लीनियर यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। अब इसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की, वो देखो एक और एक, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप समझ रहे हो ना, इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन है, यही तो है लोन पेयर रिपल्शन। अब इसकी जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट, ये 109 डिग्री 28 मिनट एक्सपेक्टेड है, बट दिस इज 108.5 डिग्री, 108.5 डिग्री इसकी बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा तो sp3, ये ऑक्सीजन सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण sp3 मतलब टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एक्सपेक्टेड होता है, वो डिक्रीज होकर 108.5 डिग्री हो जाएगा। और ये कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है स्टूडेंट, दिस बॉन्ड लेंथ दिस इज ऑफ 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फेनॉल हेयर। तो फेनॉल में मैंने बना दिया बेंजीन के रिंग, इसके साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड बना रहा, बट यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा, तो दिस कार्बन इज वॉट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल sp3 होने के कारण 109 डिग्री 28 मिनट्स होता, बट ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, अब ये होता 109 डिग्री, 109 डिग्री है इसकी बॉन्ड एंगल स्टूडेंट। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो आपको पता है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर मैं रेजोनेंस बनाऊँ तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाना होता है,
तो पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण बॉन्ड लेंथ घट जाता है और ये घटकर 136 पिकोमीटर हो जाएगा स्टूडेंट, इट्स 136 पिकोमीटर। नाउ वन थिंग टू बी नोटेड हियर स्टूडेंट दैट अगर मैं बात करूं यहां पे डाइपोल मोमेंट की, लेट अस टॉक अबाउट डाइपोल मोमेंट, तो बिल्कुल यहां पे डाइपोल मोमेंट पॉसिबल होगा बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट पॉसिबल होगा स्टूडेंट। डाइपोल मोमेंट, ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दोनों बॉन्ड पोलर है, तो जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे देखो क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है स्टूडेंट उस पर कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इस ऑक्सीजन पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, बट यहाँ पे ये जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप की कौन सी इफेक्ट होती है, माइनस आई इफेक्ट, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना, आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज के बढ़ने का मतलब है डाइपोल मोमेंट अल्कोहल का ज़्यादा होगा फिनॉल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो इस मिथेनॉल की है 1.71 डीबाई और इस फिनॉल की है स्टूडेंट 1.54 डीबाई। आप समझ रहे हो इसकी वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्जेस को विथड्रॉ कर लिया जाता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर और डाइपोल मोमेंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिस पे हम लोग मिलकर वर्कआउट करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद की सेगमेंट होगी, पहले अल्कोहल को पूरा डिस्कस करेंगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फेनॉल को स्टूडेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम अल्कीन्स। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन की मेथड है अल्कोहल की फ्रॉम अल्कीन्स। कुछ रिएक्शंस तो क्लास 11th में पढ़े हुए रिएक्शंस है आपके, तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट फ्रॉम अल्कीन्स में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है बाय एसिड कैटलाइज्ड, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कर लो। मान लो मेरे पास कोई एक अल्कीन है, इन जनरल मैं लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और स्टूडेंट हाइड्रेशन की बात हो रही है तो किसकी एडिशन होगी, वाटर की एडिशन होगी, और ये एडिशन एसिड के प्रेजेंस में होता है जो नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4। स्टूडेंट एक बात आपको नोट कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो एडिशन होती है वो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करता है, तो नोट करने वाली बात यह है एडिशन फॉलोज मार्कोनिकोफ्स रूल। एडिशन फॉलोज मार्कोनिकोफ्स रूल, तो यहां पे करेंगे क्या, हाइड्रोजन अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डिसाइड किया, हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है किसके पास कम है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे पोलराइजेशन दिखा दो, इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, मान लो ऐसा होता है दिस इज एच प्लस ओ एच माइनस, तो ये इसके पास चला जाएगा ओ एच माइनस यहाँ चलाएगा, इस तरीके से जो हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो एक अल्कोहल हो जाएगा। आप समझ रहे हो यहाँ पर ओ एच चलाया है एंड हियर वी हैव वन हाइड्रोजन, तो देखो क्या बना लिया आपने, आपने अल्कोहल बना लिया। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल पिक करते हैं, तो मान लो मेरे पास जो कंपाउंड है वो है स्टूडेंट CH3 प्रोपीन मैंने लिया है और यहाँ पे वाटर की एडिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ आप मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करा लो, तो हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो आपको पता है कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है, तो हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन
एंड OH विल गो टू कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, प्रोप एंड टू ऑल हो जाएगा। दिस विल बी द एडिशन प्रोडक्ट, ये अल्कोहल बनेगा, प्रोप एंड टू ऑल की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोप इन से प्रोप एंड टू ऑल। स्टूडेंट यहाँ पे आपको इसके मैकेनिज्म को समझना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो लेट अस वर्क ऑन, अभी जो रिएक्शन डिस्कस किए हैं उसके मैकेनिज्म को आप समझ लो। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को आप स्टेप वाइज समझो। स्टेप नंबर वन, तो स्टेप नंबर वन में देखो हमारे पास वाटर है, क्योंकि हम लोग वाटर के एडिशन करा रहे हैं, और H प्लस है। H प्लस कहाँ से मिला, फ्रॉम एसिड। तो ये सबसे पहले बनाता हाइड्रोनियम आयन, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू पे आप क्या देखोगे स्टूडेंट, कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। चलो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये अल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। सबसे यहाँ पे मुझे प्रोटोनेशन करानी है, तो प्रोटोनेशन यहाँ पे क्या हो रहा, कैसे हो रहा, देखो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ से इसने इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और ये जो है चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ताकि उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इट विल फॉर्म कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे क्या चलाएगा देखो, हाइड्रोजन है, और इसके साथ आप समझ रहे हो क्या होगा, दो बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और वाटर यहाँ पे बाहर निकल गया H2O। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो अगर ये कार्बोकेटाइन लोअर ऑर्डर की है, तब आपको पॉसिबल शिफ्ट करा के चेक करना होगा उसके हाइयर ऑर्डर को, पॉसिबल शिफ्ट्स आपको कराना होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट से आपको हाइयर ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन्स पे जाना चाहिए। स्टेप नंबर थ्री, अब न्यूक्लियोफाइल वाटर इस कार्बोकेटाइन को अटैक करेगा, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास जो है यहाँ पे वो हमने बना रखा है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वाटर है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इस पॉजिटिव सेंटर को अटैक करेगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये रिवर्सिबल रिएक्शन से सारे, इस तरीके से मुझे इसको लिखना चाहिए। इसके साथ दो बॉन्ड है, और अब क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, है ना, इट हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। स्टेप फोर जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, इसमें डी प्रोटोनेशन होगा। अगर फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन है, तो लास्ट स्टेप विल ऑलवेज बी डी प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे मुझे डी प्रोटोनेशन करानी है, और डी प्रोटोनेशन करा के हम लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन। डी प्रोटोनेशन करने कराने के लिए फिर मुझे वाटर की जरूरत होगी, वाटर यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। वाटर देखो यहाँ से इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और अगर एब्स्ट्रैक्ट ये कर लिया तो देखो हमें हमारे प्रोडक्ट हमने बड़े आसानी से ऑप्टेन कर लिया। यहाँ पे OH हो जाएगा, क्या बाहर निकल गया, हाइड्रोनियम आयन। तो हमें यही तो बनाना था, दिस वॉज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट मेथड है बनाने का, क्या बनाना भाई मुझे, यहाँ पे बनानी है मुझे अल्कोहल, और अल्कोहल अल्कीन में एडिशन करके कराना स्टूडेंट, और
इसके बाद की वीडियो में मैं आपको इसमें मेथड नंबर बी और मेथड नंबर सी सिखाऊंगा। अल्कीन्स में ये मेथड नंबर ए है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन।